तो आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट विषय को डिस्कस करेंगे, लार्वा फ्लाई प्रॉब्लम। आप में से बहुत लोग हैं जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं इस वक्त, और अगर आप इस मशरूम फार्मिंग के जर्नी में आगे बढ़ेंगे तो आज नहीं कल आपको ये हो सकता है प्रॉब्लम फेस करना पड़े। एक्चुअली नॉलेज इज़ एवरीथिंग इन मशरूम फार्मिंग। अगर नॉलेज की कमी रही तो ही लॉस होगा, अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम आपके सामने नॉलेज पेश करने के लिए ही बैठे हैं आपके लिए। हम आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप इस वीडियो से सीखेंगे कि ये जो लार्वा, ये जो पेस्ट डिजीज़ है, कितने प्रकार के पेस्ट हमारे मशरूम फार्म को अफेक्ट करते हैं और किस तरह से इनसे बचा जाए, ये होते क्यों हैं और इनको अगर हो गया तो किस तरह से रोका जाए। आज हम ये जानेंगे कि हमारे बैग्स में, मशरूम के जो फ्रूटिंग बैग्स है, ये जो फार्म है, इनमें लार्वा आते कहाँ से हैं एक्चुअली, इसमें ये मक्खियाँ कैसे आ जाती है, और आते भी हैं तो इनको कैसे भगाया जाए, इनको आने से रोका कैसे जाए। तो दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं, इस वीडियो को अच्छे से देखिए, आप इस प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आप देख सकते हैं इस फ्रूटिंग बैग में कितने प्रकार के कीड़े मकोड़े चल रहे हैं। ये जो पेस्ट लार्वा फ्लाई प्रॉब्लम इन मशरूम फार्म होता क्या है एक्चुअली, पेस्ट मतलब कीड़े, ये काफी प्रकार के होते हैं। मेनली जो मक्खियां होती है 5 प्रकार की होती है, और माइट्स, माइट्स जो होते हैं मकड़ी के प्रजाति में आ जाते हैं, कीड़े ही एक प्रकार के, ये 2 प्रकार के होते हैं। मेनली यही हमें दिक्कत देते हैं। अच्छा, ये आते ही क्यों है? होता ये है कि कीड़े मकोड़े के लिए पनपने का जगह कहाँ है, जहाँ पे गर्मी मिल जाए, जहाँ पे थोड़ा सा गीला गीला मॉइस्चर मिल जाए, बस उनके लिए परफेक्ट प्लेस है। अभी देखिए मशरूम फार्म में टाइमली इनको प्रिवेंट करके रखना, इनको कंट्रोल करके रखना ही मेन बात है। किसी भी फार्मिंग में पेस्ट कंट्रोल जो है बहुत क्रिटिकल इंपॉर्टेंट चीज़ है, अदरवाइज आपका पूरा का पूरा फसल खराब कर सकता है, फसल की क्वालिटी खराब कर सकता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये एक मशरूम फार्म है, मशरूम फार्म में बहुत अच्छा सुंदर हार्वेस्ट हो रहा है, पर देखिए इनके मशरूम में किस तरह से लार्वे प्रवेश हो गए हैं। हुआ ये था कि जब ये बेड बना रहे थे, बेड बनाते वक्त ही इनके यहाँ पे बहुत मक्खियाँ थी जिन्होंने वहाँ पे अंडे, एग्स जो है उन्होंने ले कर दिए, और वहाँ से जो है अच्छे से लार्वे निकल रहे हैं। हर एक मशरूम को देखिए इस तरह से हम टुकड़े करते हैं तो अंदर से सफ़ेद सफ़ेद लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ये मक्खी के बच्चे हैं, ये जो लार्वे यहाँ पे डालें तो चल रहे हैं। इससे ये होता है कि पहला तो एकदम फसल खराब हो जाता है, फसल कम होने लग जाता है जितनी उगनी चाहिए, उपज कम हो जाती है। सेकंड, ये मार्केट में बहुत प्रॉब्लम होता है इसको सेल करने में। दोस्तों जो फ्लाई है, जो मक्खी है, इनसे हमेशा बचा के रखना अपने फार्म को। ये है तो कई प्रकार के, पर मेनली ये जो सिया रीड है ये बहुत परेशान करेगा। ये देखिए इसके ये अंडे हैं, ये जो एग्स है इस तरह के दिखते हैं, और इसके जो लार्वे हैं इस तरह से दिखता है। ये भी एक बहुत कॉमन है कोबोल्डिया, ये गर्मी में काफ़ी होता है। इसके ये जो लार्वे इस तरह से ब्लैक कलर के होंगे। आपको अपने प्रॉब्लम को समझना बहुत ज़रूरी है, आपको हमेशा ये नज़र रखना है कि किस प्रकार का जो है मक्खी है, माइट है, किस तरह का दिखता है। आपके लिए हमने हमारा व्हाट्सएप चैनल बनाया हुआ है जहाँ पर आप अपने प्रॉब्लम्स को पोस्ट कर सकते हैं। आपको हमारे वेबसाइट का लिंक अवेलेबल है, आप हमारे को संपर्क करें। पर आप जितना अपने फार्मिंग के बारे में नॉलेज रखेंगे आप उतना ही बढ़िया से आगे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो कोशिश करिए आइडेंटिफाई कीजिए कि है किस प्रकार का प्रॉब्लम है, क्योंकि जिस प्रकार का फ्लाई होगा उस प्रकार का समस्या होगा आपके फार्म में, क्योंकि हर एक मक्खी अलग अलग वजह से आती है। ये जो है देखिए लार्वा एसिड, ये काफ़ी ज़्यादा, अगर जो स्ट्रॉ है, जो भूसा है, अगर बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है, आप अक्सर देखिएगा जो फ्रूटिंग बॉडी है, जो मशरूम है, जब आप उसको निकालते हैं तब देखिएगा उसका जो जड़ है जहाँ पे भूसा लगा हुआ है वहाँ पे वो येलो कलर के, ऑरेंज कलर के बहुत सारे लार्वे चल रहे होते हैं। और देखिए ये माइसेटोफिल, ये काफ़ी हद तक मच्छर जैसे होते हैं पर बहुत छोटे होते हैं, और ये जब अटैक करते हैं मशरूम की क्वालिटी एकदम ख़राब कर देते हैं। दोस्तों घबराना नहीं है, ये सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ फार्मिंग है। किसी भी फार्मिंग में प्रॉब्लम है पर सॉल्यूशन भी है, और सबसे बड़ा है प्रिवेंशन क्या है। हम आज आपको प्रिवेंशन बताएंगे कि ऐसा क्या करें कि ये सब आए ही ना। देखिए जो माइट्स होते हैं, माइट्स जो होते हैं थोड़े अलग होते हैं। माइट्स बिलोंग टू द स्पाइडर फैमिली, और ये जब होते हैं मेनली क्या होता है कि उत्पादन कम हो जाता है, अचानक से मशरूम नहीं निकल रहे हैं, या फिर मशरूम जितने निकलने चाहिए उतने नहीं निकल रहे हैं।
और जो मशरूम की क्वालिटी है खराब हो गई है, जो मशरूम है उसके जो गिल्स है उसमें अलग तरह के लंबे लंबे कट नजर आ रहे हैं या फिर होल्स नजर आ रहे हैं, जो मशरूम है प्रॉपर शेप में नहीं है, बहुत ही अजीब सा है, तो आप समझ जाइए कि हो सकता है वो माइट्स हो। और माइट्स देखिए जो होते हैं नॉर्मली हम नहीं देख पाते, ह्यूमन आइज कांट सी माइट्स, पर ये अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, एक ही जगह पे बहुत सारे इकट्ठा हो जाए तो रेड ब्राउन कलर के नज़र आते हैं और आप इसको लेंस से देख पाएंगे। और ये जो होते हैं एक्चुअली क्या होता है, ये हमारे माइसिलियम को डायरेक्टली नहीं खाने आते हैं, ये कम्पीटिंग फंगस को खाने आते हैं। नॉर्मली क्या होता है, ट्राइकोडर्मा या ब्लैक फंगस, जो भी ब्लैक मोल्ड है, जो भी अलग अलग प्रकार के और भी फंगल अटैक्स होते हैं हमारे मशरूम बेड्स में, उसको ये लोग खाने आते हैं। तो इसका पहला तो यही निशानी है, इसका मतलब जो है हमारा जो सब्सट्रेट है वो अच्छे से स्टेरिलाइज नहीं हुआ है, इसी वजह से माइट्स आए हैं। सेकेंड एक और रीज़न है कि देखिए, अगर हमारा फार्म पहले से ही साफ सुथरा नहीं है, पहले से ही उसमें मकड़ी है, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, तो आप कैसे आशा करेंगे कि आपके फ्रूटिंग एकदम बढ़िया रहे और कोई कीड़े ना आए। तो ये दो कारण मेन है इसके। देखिए माइट्स को प्रिवेंट करना बहुत आसान है, सिंपल, ये एकदम साफ सुथरा जगह पे रह नहीं पाते हैं, दे हेट क्लीनलीनेस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपके मशरूम फार्म्स है, जो आपके मशरूम हाउस है, उसको एकदम साफ सुथरा रखिए, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करिए। पेस्टिसाइड्स के बारे में मैं लास्ट में आऊंगा, आपको ऐसे मेथड बताऊंगा जिसको आप कंटिन्यू अगर स्प्रे करेंगे बिफोर फार्मिंग तो ये सब आएंगे ही नहीं, पर बिफोर दैट याद रखिए साफ सुथरे जगह बहुत ज़रूरी है, वरना माइट्स तो आएंगे। ये जो मकड़ी टाइप के कीड़े हैं इसको हमेशा ब्लीचिंग प्रॉब्लम, ब्लीचिंग से इसको प्रॉब्लम है, आप इसको ब्लीचिंग पाउडर से एकदम अपने घर के सरफेस को साफ रखिए, जो मिट्टी के परत है उसको अच्छे से एकदम क्लीन रखिए। और जो आपके फार्मिंग इक्विपमेंट्स है, जैसे आप अगर स्ट्रॉ को स्टेरिलाइज करने के लिए स्टीम चैम्बर यूज़ कर रहे हैं, या फिर अगर आप केमिकल मेथड यूज़ कर रहे हैं उसमें अगर आपका जो स्ट्रॉ को भिगोने का जो जगह है, या आपके पास जो भी फार्मिंग का इक्विपमेंट्स है उस सबको साफ कीजिए, उसको डिसइनफेक्ट करिए, हर प्रकार से उसको ब्लीचिंग सॉल्यूशन से धोइए, और जितना साफ सुथरा रखेंगे उतना ही आपका चांसेस कम हो जाएगा माइट्स अटैक का। ये बैग जो है आप देख सकते हैं, क्लासिक एग्जांपल है, देखिए ये बीटल बग आ गया है, ये और दूसरे कीड़ों को खाने आता है, तो इतना भयानक अटैक हुआ है इस फार्म में, आप लाइव देखिए कितना अच्छा फ्रूटिंग बॉडी है और ये किस तरह से एकदम खराब हो गया। ये मशरूम देखिए किस तरह से एकदम सूख गया है, खराब हो गया है। और ये जो ताज़े मशरूम है, जो नए पिनहेड्स के बाद जो नए मशरूम निकल रहे हैं, इसमें भी देखिए नीचे नीचे जो है काली मक्खियाँ जो है अटैक कर चुकी है, यही लार्वा है, इन्हीं में से ये काली मक्खियाँ बनती है और फिर वो फर्दर फिर से अपने आप को मल्टीप्लाई करती है, तो ये एक साइकिल है। तंदूर एक तो इस मशरूम साइकिल को भी का रोकना सिखाएंगे, छोटा ना हो इसके लिए क्या करना है हम वो भी बताएंगे आपको। ध्यान से देखिए, ये इतने छोटे छोटे होते हैं कि भिन भिन करेंगे, आपके पूरे फार्म में घूमेंगे और धीरे धीरे अंदर ही अंदर आपके मशरूम्स को खोखला करेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो पेस्ट है, जो कीड़े हैं, ये कितने भयानक होते हैं और कितना कितना ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा करते हैं। अगर आपने इसको सही समय पे नहीं रोका तो आपका पूरा फार्म रातों रात एकदम चक जाएंगे। तो मैं आपको रीज़न बताता हूँ ये एक्चुअली होते क्यों हैं। देखिए ये जो है एक्चुअली माइसिलियम को खाते हैं, या हमारी जो मशरूम होती होती क्या है, फंगस है, उसकी फ्रूटिंग बॉडी जो है वही मशरूम है, जो उसका माइसिलियम है, साक्षात जो मशरूम है उसी को ये खाता है, ये उसका मेन भोजन है। सेकेंडली मैंने जैसे पहले बताया आपको, गर्म जगह और जहाँ मॉइस्चर एरिया होता है वहाँ पे ये आता है, वहाँ पे अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, वहाँ पे अपने एग्ज ले करता है, और इन सब जगहों से इसको बचाया जा सकता है। पर उसको बचाने के लिए आपको पहले तो जो अवॉइड करना है वो अनहाइजीनिक कंडीशन। अगर देखिए फार्म में अनहाइजीनिक कंडीशन है तो ये और ज़्यादा आएंगे, इम्प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन। अगर आपने स्टेरिलाइज करने का अभी भी मेथड आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख लीजिए, केमिकल स्टेरिलाइजेशन हो या स्टीम स्टेरिलाइजेशन हो, ये बहुत ज़रूरी है कि आपको प्रॉपर मेथड पता हो। कई तरह के फंगिसाइड होते हैं जो आपको पहले से इस्तेमाल करने हैं, कई बार आपको पहले से इंसेक्टिसाइड यूज़ करना पड़ता है सब्सट्रेट के साथ, या फिर कई बार बहुत सारे अलग अलग मेथड है जिससे आपको पहले से अपने सब्सट्रेट को एकदम बढ़िया से प्रॉपरली स्टेरिलाइज करना है। अगर आपने स्टेरिलाइज करने में कहीं चूक रखी है तो फिर ऑब्वियसली वहाँ प्रॉब्लम आएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग रॉटेन मतलब सड़े हुए स्ट्रॉ का इस्तेमाल कर लेते हैं, पहले से ही खराब था, ब्लैक फंगस लगा हुआ था उसमें, या स्मेल आ रहा था, बहुत ही नरम तरह का आपका जो है भूसा था, या जो भी है, आप चाहे जो भी यूज़ करें, आप चाहे पैडी स्ट्रॉ करें, वीट स्ट्रॉ करें यूज़, या फिर सॉडस्ट करें, जो भी आप सब्सटेट यूज़ कर रहे हैं, अगर वो पहले से खराब है, सड़ा हुआ, या उसमें पहले से ही अगर आपके
मक्खी मच्छर लगे हुए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। एक और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं, हमारे मशरूम के आसपास, फार्म के आसपास कोई भी प्रकार का वाटर बॉडी नहीं रहना चाहिए। आई मीन कोई ऐसा बाल्टी या कोई इस तरह का प्लास्टिक, पॉलीथीन, पन्नी जिसमें पानी जमता हो। जिस तरह से हमें मच्छरों को भगाना होता है, नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, कोशिश करते हैं कूलर में पुराना पानी ना पड़ा रहे। उसी तरह हमारे फार्म के आसपास हमें बस ऑब्जर्व करना है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं पे पानी पड़ा हुआ है, किसी बोतल में पानी पड़ा हुआ है, कहीं पे भी नाला है। देखिए अगर है तो उसके लिए आपको स्प्रे करना पड़ेगा, ऐसे स्प्रे करने हैं ताकि उसमें मच्छर मक्खी ना बचे। आपको क्लीनलीनेस मेंटेन करना पड़ेगा फर्स्ट तो। और कुछ बातें हैं जैसे सीजनल फैक्टर्स हैं, ये भी मैटर करता है। जैसे फेब्रवरी में काफ़ी टाइम में, या फिर काफ़ी काफ़ी अलग अलग एरियाज पे डिपेंड करता है। आसपास की कटिंग होती है जब अलग अलग फसलों की, तो वहाँ के फ्लाइज होते हैं, लार्वा होते हैं, वो अटैक करते हैं। तो ये जो है आपको इन सबको मेंटेन करना है। मेंटेन करने के लिए सबसे पहला जो होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, आपको अच्छे से हर एक मशीनरी इक्विपमेंट्स को साफ करना है, अपने ब्लीचिंग सॉल्यूशन से साफ कीजिए। उसके बाद जो आपका जो फार्म है, उस फार्म को आपको अच्छे से मेंटेन करना है हाइजीनिक। किस तरह करेंगे? एक केमिकल है फॉर्मेल्डिहाइड, आपको फॉर्मेलिन का सॉल्यूशन जो है 5% सॉल्यूशन 1 लीटर वाटर में मिक्स करना है, और उसको जो है आप अच्छे से पूरे फार्म में स्प्रे कीजिए। अभी उसको मिट्टी में स्प्रे कीजिए, उसको आप वाल में स्प्रे कीजिए, और जितने आपके फार्म इक्विपमेंट्स हैं वहाँ पे स्प्रे करना है। जहाँ बैठ के आप बेड बनाएंगे वहाँ कीजिए, जहाँ पे आप स्टेरिलाइज करते हैं स्ट्रॉ को वहाँ कीजिए, जहाँ भूसे की कटिंग होती है आसपास कीजिए। किसी भी प्रकार से आपको ये मेंटेन करना है कि आपके जो एरिया है वो एकदम क्लीन है। तो फॉर्मेल्डिहाइड जो है बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट है, इसका आप इस्तेमाल कीजिए। 4 गोल्डन रूल है, पेस्टराइज द सब्सट्रेट थॉरली, सैनिटाइजर एंड हाइजीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। आप खुद साफ सुथरे हैं कि नहीं, ऐसा ना हो कि वही पुराना कपड़ा, गंदे जूते लेके हम बार बार घुस रहे हैं, दुनिया भर के कीड़े मकोड़े हमारे साथ ही भटक रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें भी बिल्कुल क्लीन हाइजीन मेंटेन करना है। अगर हमें आसपास कहीं भी मच्छर मक्खी दिख रही है कि हाँ, जब हम लोग एक्चुअली नज़र आ जाएगी, जब हम भूसा सुखा रहे होंगे या उसको भिगो रहे होंगे, अगर हम देख रहे हैं कि मच्छर मक्खी बहुत भटक रहे हैं, तो आपको समझ जाना है कि अभी क्लीन करना बाकी है। किसी भी प्रकार का वेस्ट पड़ा है, पुराने फार्म का मशरूम का टुकड़ा पड़ा है, या आसपास में एक और फार्म है वहाँ का माइसिलियम जमीन में बिखरा हुआ है, या फिर वही मैंने जो बताया वाटर कंटेनर पड़े हुए हैं, या घास उगे हुए हैं घर में, ये सब हटाइए। फार्म को नीट एंड क्लीन करिए। फार्म जो है पक्का घर होना चाहिए, ऐसा नहीं है कच्चा रहता है कोई दिक्कत नहीं, नीचे मिट्टी है कोई बात नहीं, बट आपको उसको साफ सुथरा रखना है। देखिए एक ऐसा मेथड है जो आपको फॉलो करना है, इससे ये होगा कि आपके नॉर्मली मशरूम बेड्स में अगर किसी प्रकार से, चाहे सीजनल फैक्टर हो और अलग अलग फैक्टरों की वजह से, अगर आप किसी भी कारण से हर चीज़ करने के बाद भी अगर नहीं उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो आप ये गोल्डन रूल के बाद का रूल है, सॉल्यूशन एंड क्योर, स्प्रे मेथड जस्ट बिफोर कल्टिवेशन बिगेंस। इसमें आपको क्या करना है, जो मशरूम फार्मिंग हमारी शुरू होती है, जस्ट शुरू होने से पहले, आपको उससे पहले 3-4 दिन पहले ये जो है पूरा का पूरा रूटीन फॉलो करना है। इसमें आपको क्या करना है कि केमिकल लाना है बाजार से, साइपरमेथ्रिन 10% EC, अल्फामेथ्रिन 10% EC, डेल्टामेथ्रिन 10% EC, आपको फर्टिलाइजर शॉप में मिल जाएगा। आपको जो है नीम ऑयल, ये भी इजीली मिल जाएगा। नीम ऑयल जो है बहुत ही अच्छा नेचुरल पेस्टिसाइड है, इसका तो नेक्स्ट रूल, बहुत बहुत बड़ा रूल है, इसका बहुत बड़ा यूज़ है, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। पर ये गोल्डन रूल के बाद का रूल आप पहले अच्छे से नोट कीजिए। अगर आपके फार्म में हर प्रकार के सॉल्यूशन कर दिया आपने, साफ सुथरा रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी आपके मक्खी नहीं जा रही है, फ्लाई का प्रॉब्लम नहीं जाता है, या फिर पुराना फार्म है जहाँ पे ऑलरेडी बहुत बार आपने मशरूम फार्मिंग कर लिया है, अब वहाँ पे तरह तरह के प्रॉब्लम आ रहे हैं, वहाँ पे अच्छे से आपका फलन नहीं होता है, जब भी आप बैग लगाते हैं तभी मक्खी आ जाती है, लार्वा आ जाता है, देन यूज़ दिस। एक्चुअली होता ये है कि मैंने आपको पहले दिखाया है कि जो मक्खियाँ होती है वो बहुत टाइप की होती है। कुछ मक्खियाँ होती है किसी एक दवाई से मरती है, कोई दूसरे दवाई से मरती है, एक प्रकार का इंसेक्टिसाइड होता है वो उसके नर्वस सिस्टम में अटैक करता है, कोई उसके लीवर इंटेस्टाइन में करता है, कोई किस तरह से करता है। तो हमें क्या करना है, हमें नहीं पता है कि हमारे फार्म के आसपास किस किस तरह के मच्छर मक्खी है। कई बार होते हैं मच्छर मक्खी दिखते नहीं है, माइट्स जैसे होते हैं वो दिखते भी नहीं है, कई सारे लार्वे हैं वो पहले से ही हमारे वहाँ पे मौजूद है, हमें पता नहीं है, जब हम फार्मिंग करते हैं तब वो उभर के आ जाते हैं। इसलिए हमें बाय डिफॉल्ट 3 प्रकार के अलग अलग ये जो है पेस्टिसाइड लेकर आना है, एक्चुअली इंसेक्टिसाइड है। और इसको हमें कैसे इस्तेमाल करना है, नीम ऑयल जो है 5 ml लेना है, और ये जो है 10%
इसी, ये एक्चुअली 2 ml इस्तेमाल करना है, 5 ml नील ऑयल, नीम ऑयल और 2 ml आपका साइपरमेथ्रिन, और 1 लीटर पानी में मिक्स कर देना है। इसी रेशियो में, इसी अनुपात में आपको पूरे फार्म में स्प्रे करना है। ये जो स्प्रे होगा ये आपके मशरूम फार्म के इर्द गिर्द, मशरूम फार्म के अंदर बाहर, जहाँ पे आप स्ट्रॉ स्टेलाइज कर रहे हैं, जहाँ पे हम बैठ के बैग्स बना रहे हैं, हर जगह आप स्प्रे कीजिए। याद रखिए ध्यान से, ये मशरूम फार्मिंग शुरू करने से पहले का स्टेज है। अभी भी हमने बैग बनाना नहीं शुरू किया है, अभी भी हमने भूसे को भिगोना नहीं शुरू किया है, जस्ट अभी हम लोग भूसे की कटिंग शुरू करेंगे या फिर कटिंग कर चुके हैं, अभी उसको स्टेलाइज करना है, ये तब का स्टेज है। ये प्रिवेंशन है, बिकॉज प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। प्रॉब्लम आ जाए उसके बाद उससे लड़ाई करने से पहले क्यों ना हम पहले ही उसको काफी हद तक कम कर दें। ये पहले दिन आपको स्प्रे कर लेना है, उसके नेक्स्ट डे में फिर से आपको जाना है फार्म में जाके फिर से नीम ऑयल में, इस बार हमें अल्फा मेथ्रिन यूज करना है, ये भी 2 ml 1 लीटर पानी में। सिमिलरली फिर डे 3, थर्ड डे में हमें फिर से नीम ऑयल और डेल्टा मेथ्रिन स्प्रे करना है। ये तीनों जो है हम 3 दिन लगातार स्प्रे करेंगे, उसके बाद फार्म को 1 दिन के लिए पूरा एकदम बंद करके रख देंगे। इसके बाद जो भी नॉर्मल आसपास मच्छर, मक्खी, कीड़े मकोड़े जो भी है, सबके सब आपको मरे हुए मिलेंगे। अब मेन होता है कि हाँ चलो हमने कीड़े मकोड़े मार तो दिए, पर इसको मेंटेन भी रखना पड़ेगा। अब मेंटेनेंस कैसे करें, और नेक्स्ट जब हमारी फार्मिंग शुरू हो जाती है तब जो बाहर से जो हमारे यहाँ पे मक्खी आती है उसको कैसे हम रोकें। देखिए एक स्प्रे रूटीन है, ये आपको चलाते रहना है नो मैटर वट। जो छोटे मोटे फार्म बना रहे हैं या फिर जो घर में फार्मिंग कर रहे हैं, बहुत हाइजीन है वहाँ पे, ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, वहाँ आप नीम ऑयल स्प्रे ना भी करें चलेगा। पर जो थोड़ा कमर्शियल लेवल में फार्मिंग कर रहे हैं, 100, 200, 500, 2000, 5000 बेड्स का आपका है, या फिर आप बड़ा बटन मशरूम का फार्म है, जो भी है, मेक इट ए हैबिट टू स्प्रे नीम ऑयल। नीम ऑयल जो है, देखिए पहली बात तो है कि ऑर्गेनिक होता है, इससे हमारा जो है पेस्ट बहुत हद तक कंट्रोल हो जाता है, इससे हमारे शरीर को भी कोई नुकसान नहीं होना है। सेकेंडली मशरूम को कोई नुकसान नहीं होता है। जो पेस्टिसाइड होते हैं ये कभी भी मशरूम जब उगने लग जाते हैं तब हम नहीं स्प्रे करेंगे, क्योंकि जो मशरूम होते हैं पहली बात पेस्टिसाइड देते हैं, वो मशरूम ख़त्म हो जाएंगे, वो मशरूम सूख जाएंगे। सेकेंडली वो खाने की चीज़ है, मशरूम जो है जो भी एयर में रहता है वो सब एब्जॉर्ब करता है किसी भी प्रकार से। नेवर स्प्रे एनी अदर केमिकल अदर देन नीम ऑयल इन साइड द फार्म वंस फ्रूटिंग स्टार्ट। जब हमारा फसल बनने लगता है, जब हमारा मशरूम उगने लग गया, तब नीम ऑयल के अलावा आप कुछ नहीं दे सकते, नो मैटर वट। अगर आपने उसके अलावा कोई और चीज़ स्प्रे किया तो वो जहर हो जाएगा, तो हम कर ही नहीं सकते वैसा, तो क्या करें। देखिए आपने पहले ही एक तो सारे प्रकार के केमिकल्स दे के अपने फार्म को स्टेरिलाइज कर लेना है, ब्लीचिंग पाउडर से, फॉर्मेलिन से। नेक्स्ट स्टेज में आपको पूरा का पूरा उसको जो भी इंसेक्टिसाइड है, साइफर मेथिन, अल्फा मेथिन, डेल्टा मेथिन से स्प्रे करना है। उसके बाद अब आप फार्मिंग शुरू कर दीजिए। डेली डेली आप बैग्स बनाएंगे, फ्रूटिंग बैग्स बनाएंगे, उसको हैंग करेंगे और उसका वेट करेंगे। नो मैटर वट आपको डेली नीम ऑयल स्प्रे करना है। नीम ऑयल क्या करना है, 5 ml 5 ml नीम ऑयल 1 लीटर वाटर में मिक्स कीजिए, हल्का स्प्रे कीजिए, जस्ट जैसे सैलून में हमारे बालों में स्प्रे किया जाता है, हल्का पूरे फ्रूटिंग बैड्स के ऊपर हल्का हल्का कीजिए, फार्मिंग में कीजिए, जो ज़मीन है इस पर कीजिए। उसका जो स्मेल है, जो उसका जो स्मेल होता है नीम ऑयल, यही जो है रिपेलेंट के तरह काम करता है। जो तरह तरह के जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो अलग अलग प्रकार के माइट्स हैं, वो आएंगे ही नहीं, वो दूर रहेंगे। तो ये एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड है, बहुत ही अच्छा है। अब इसके बाद एक और बात, अगर बाय चांस आपके फार्मिंग अभी चल रही है और आपने पहले से सारे प्रिकॉशन नहीं लिए थे और आपके बैग में लार्वा है, वो नीम ऑयल स्प्रे करने के बावजूद नहीं जा रहा। नॉर्मली नीम ऑयल स्प्रे करते रहने से लार्वा का सॉल्यूशन बहुत बहुत कम हो जाएगा, पर अगर बहुत हाई लेवल का आपके वहाँ पे ऑलरेडी मक्खी आ चुकी है, फ्लाई नहीं जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा पेस्टिसाइड भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। इसमें आप ये करिए, नीम ऑयल जो है 5 ml और ये जो साइफरमेथ्रिन है 1 ml 1%, उसको एक साथ मिक्स कीजिए 1 लीटर पानी में और एक इंजेक्शन लीजिए। और जो बैग्स है जहाँ पे फ्रूटिंग अभी भी नहीं है, ओनली वही पे यूज़ करना है। जहाँ जहाँ पे आपको फ्लाई का प्रॉब्लम दिख रहा है, जहाँ पे आपके लार्वा चलते हुए नजर आ रहे हैं, वहाँ पे इंजेक्ट कर दीजिए। इंजेक्ट बहुत कम करना है, 1-2 ड्रॉप करना है, नहीं तो पानी जम जाएगा और वहाँ पे उसके स्मेल से बेड के अंदर ही अंदर उसमें जो भी लार्वा है वो मर जाएंगे। तो ये एक सॉल्यूशन हो गया। अगर आपके बैग में ऑलरेडी लग गया है, लार्वा लग गया है, मक्खियाँ आ गई है, और पहले तो नीम ऑयल स्प्रे करने से 2-4-5 दिन नीम ऑयल स्प्रे करने से वो नहीं जा रही है, तो ही ये करिए, आपको इंजेक्ट करना है, स्प्रे नहीं करना है। स्प्रे करने से, जब मैंने बताया, स्प्रे कभी नहीं करना है अगर मशरूम बैग्स में मशरूम निकलने लग गए हैं, तो निकलने लग चुके हैं पर अंदर ही अंदर लार्वा है, कैसे मारे
तो आप उसको इंजेक्ट कीजिए, नीम ऑयल इंजेक्ट कीजिए, फिर भी नहीं जाता है तो 1% ऑनली साइपरमेथ्रिन नीम ऑयल के साथ मिक्स करके इंजेक्ट कीजिए। अभी दोस्तों ये सब जो है अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका 99% गारंटी है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इवन दो अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम आता है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है डम मैनेजमेंट। लोग क्या करते हैं, एक बार मशरूम फार्मिंग हो गई उसके बाद उसको वहीं पे हैंगिंग करके रख देते हैं। ये बहुत गलत प्रैक्टिस है। आपको मशरूम हो गया है, फ्रूटिंग खत्म, 3-4 फ्लशिंग जो मिलने थे मिल गए, उसको प्रॉपर उसको डिकम्पोज कीजिए, उसको प्रॉपर किसी जगह पे स्टैक कीजिए, उसको ढक के रखिए, उसको भी फॉर्मेलिन वगैरह से स्प्रे कीजिए ताकि वहाँ पे और किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना फैले। उसको आप अच्छे से अच्छा वर्मी कंपोस्ट बनाइए, है ना, पर उसको फैला के नहीं रखना है। और जो मशरूम फार्म है, एक बार ख़त्म हो जाए तो उसको तुरंत का तुरंत स्टेरिलाइज कीजिए, उसको फिर से ब्लीचिंग से, फॉर्मेलिन से, अलग अलग फंगीसाइड से, इंसेक्टीसाइड से स्प्रे करके एकदम ठीक रखिए। क्योंकि आपने अगर एक बार मशरूम फार्मिंग करके उसको छोड़ दिया आपको, तो नेक्स्ट टाइम भी फार्मिंग करनी है तो पुराना जो डिजीज़ है वो वापस से कंटिन्यू होगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर आपकी कोई भी मदद हो पाती है हमारे चैनल से, अगर आपको अच्छा लगता है और आप चाहते हैं हम और इस तरह से आपके लिए कंटेंट बनाते रहे, तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, PDF चाहिए, और भी प्रकार के नॉलेज चाहिए हमसे जुड़े रहने के लिए, bmmushroom.com में आप विजिट कर सकते हैं। हमसे संपर्क करने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। बिजनेस के लिए एक स्पॉन एट्सेट्रा आपको परचेस करना है, आप bmmushroom.online पे जा सकते हैं। थैंक यू, मिलेंगे फिर बहुत जल्दी।